नहीं, कोरोना तो महाराष्ट्र में बढ़ रहा है। देखिए केरला और महाराष्ट्र दोनों स्टेट ऐसे कि जहाँ पे अभी पूरे देश से 65 से लेकर 70% पेशेंट केवल दो स्टेट के अंदर है। ये दोनों स्टेट जरा हॉटस्पॉट बने हुए हैं। इसको नज़र में रखते हुए निश्चित रूप से हमें कुछ निर्बंध लगाना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि लॉकडाउन करना पड़ेगा, परंतु जनता के हित के लिए, बढ़ते हुए कोरोना का संसर्ग रोकने के लिए हमें कड़क उपाय योजना करनी पड़ेगी। और जैसे कि अभी लोकल चल रही है तो लोकल के कुछ शेड्यूल कम करें, बसों में होने वाली, बस ट्रैवलिंग में होने वाली जो क्राउड है उसको कम करें, मार्केट में कुछ निर्बंध लाए, और उसी के साथ में सिनेमा थिएटर हो उसको पूर्णतः बंद करे, मंगल कार्यालय जो होते शादी ब्याह के लिए उसमें पूरी तरह से वाच रखे, उसको गर्दी कैसे कम कर सकते हैं वो करे, इस तरह के निर्बंध अभी आने वाले दिनों में लगने वाले नहीं, उसके बारे में अभी चर्चा चल रही है। जैसा कि तमिलनाडु ने पूरे सब बच्चों को पास करके रिजल्ट देने का निर्णय लिया, तो हो सकता है कि महाराष्ट्र में भी कुछ इस बारे में निर्णय लेना पड़ेगा। और एग्ज़ाम की स्थिति, एग्ज़ाम तो लेने पड़ेंगे ऐसा बहुत सारे लोगों का कहना है, पर मैं कहता हूँ कि ऑनलाइन एग्ज़ाम की भी परिस्थितियों को जांच लिया जाएगा, अगर पॉसिबल है तो उसके ऊपर भी विचार किया जाएगा। ये निश्चित रूप से ये बात चल रही है, और लोकल कम, लोकल पूरी तरह बंद करने का निर्णय नहीं, पर लोकल के कुछ शेड्यूल है वो रिशेड्यूल करने का काम चल रहा है।